चलो क्या है। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति स्त्री पुरुष या नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो तो उसके संबंध में किंचित मात्र भी विषय विकार से संबंधित दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं या विचार संबंधी दोष न किए जाए, न करवाए जाए या कर्ता के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति दीजिए। ओके, सो ये प्रेयर है थोड़ा हायर लेवल में। ओके, कि जो ऑपोजिट 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 सेक्स, मतलब मेल हो तो फीमेल, फीमेल हो तो मेल, या फिर नपुंसक ट्रांसजेंडर, कोई भी जेंडर हो, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी हो, किसी हमारा कोई भी जेंडर हो और हमारे साथ में दिखने में कोई भी जेंडर साथ में कम्युनिकेशन में आ रहे हैं, मेल में मेल आ जाए, फीमेल आ जाए, या फिर तुम गाड़ी से जा रहे हो कहीं पे ट्रांसजेंडर दिख जाए। ओके, सो किसी के भी टॉवर्ड्स में बुरे थॉट्स, एक्टिविटी, स्पीच ना निकले, हमसे ना निकले कोई भी एंगल से। ओके, फिजिकल एंगल से और से मेंटली कोई भी एंगल से ऐसा थॉट ना आए, स्पीच ना निकले, बिहेवियर भी ऐसा कुछ ना हो, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। ओके, उसके लिए है ये प्रेयर। ओके, मतलब के जो बोलते हैं ना हम, गंदी नजर, समझ में आएगा है ना। ओके, गंदी नजर नहीं बोलते हम कि इट्स नॉट गुड, वो हमसे ना, लोगों का हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा अपना तो कंट्रोल में है ना, तो वो हमसे ना हो, मतलब हमारी नजर सीधी अच्छी ही रहे, सीधी इन द सेंस अच्छी ही रहे, उसके लिए है ये प्रेयर। ओके, 6 हो गई, अभी 3 बाकी है, अभी नेक्स्ट 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगी, आज भेज दी मैंने ग्रुप में। ओके, और मेरे पास है, तुम लोग ने ली थी वहां से? वहां पे थी नहीं। हाँ, मैं है मेरे पास, मैं देता हूँ, तुम लोग ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन है। हाँ, तो इसका नाम क्या है? पेन ड्राइव, ये सर पेन ड्राइव तो खोली है, ये होगा, ये होगा इमेजेस में तो इमेजेस में। हाँ न्यू फोल्डर 232, यस, नहीं ये तो आज करना है, हुआ है, बैक कैसे नहीं न्यू फोल्डर 3 फोल्डर। हाँ ओके, कहाँ थे हम? 1 2 3 4th, ये कंप्लीट हो गया था आई थिंक, फोर्थ पेज कंप्लीट हो गया ना, ये हाँ ये हो लास्ट पार्ट ऑफ हाँ मी। पेज नंबर 10। ओके, तो अब आगे हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अब तक क्या देखा हमने? हम देख रहे हैं ट्राइम्प ऑफ सर्जरी। ओके, तो जो विक्ट्री है सर्जरी की, उसके बारे में चैप्टर है। और अब तक हमने देखा कि ट्रिकी नाम का डॉग है, स्मॉल डॉग है, और उसकी जो मिस्ट्रेस है, जिनका नाम क्या है, पम्फ्रेड। ओके, पम्फ्री। ओके, मिसेस पम्फ्री। तो जो मिसेस पम्फ्री है वो क्या है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बहुत ही ज्यादा रिच भी है और बहुत ज्यादा पेम्पर्ड करती है डॉग को, और ओवर फेड कर देती है, और इतना ओवर फेड किया कि वो मोटा हो गया। ओके, ब्लॉटेड सॉसेज जैसे ऐसा हो गया है, उसके जैसे 4 कॉर्नर में से 4 लेग निकले हुए हैं वैसा दिख रहा है, वो बहुत खराब हालत हो गई है। डॉक्टर को बताया, डॉक्टर मतलब कौन, हमारे ऑथर, मतलब उसका नाम क्या, जेम्स हैरियट, यस, ये सब याद रखना है। तो जेम्स हैरियट को बताया कि ये करो, तो 15 डेज के लिए रखा हुआ है, और
वो लोग ये पेन सहन नहीं कर पा रहे थे, तो वो सब सामान लेके आए, ये वे, उससे पहले ही वो गाड़ी लेके निकल लिए और उसको लेके चले गए। अब वो वहां क्या है, तो 2 दिन तक तो उसको कुछ खाना ही नहीं दिया, सिर्फ पानी ही दिया। और नाउ 2 दिन के बाद एंड थर्ड डे वो थोड़ा बहुत एक्टिविटी में आ रहा है, उसको पर्टिकुलरली थर्ड डे कुछ खाना दिया तो अच्छे से खाना खा लिया और सबके साथ अभी कूदता कूदता आगे जा रहा है। देखते हैं हम आगे क्या हुआ। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. तो जब उन्होंने खाना खत्म कर दिया, लास्ट पार्ट क्या था कि सबको खाना दिया था, तो जब उन्होंने खाना खत्म कर दिया, उनका फूड खत्म कर दिया है, तो ट्रिकी ने क्या किया कि बस ऐसे ही घूम रहा है और जो उनको खाने का बाउल है उसको थोड़ा बहुत लिक कर रहा है। लिक करना मतलब क्या, जो डॉग लोग जो चाटते हैं, चाटना, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लिक करना। वो कर रहा था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। दूसरे दिन एक एक्स्ट्रा बाउल, क्यों, क्योंकि 3 दिन से खाना नहीं दिया था, अब थोड़ा थोड़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, तो एक्स्ट्रा बाउल भी रखा। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टॉवर्ड्स इट। जॉसलिंग का मीनिंग है पुशिंग, मतलब कि क्या, कौन आई, मतलब कौन, अपना डॉक्टर, अपना ऑथर जेम्स हैरियट, उन्होंने देखा कि जब नया एक्स्ट्रा बाउल रखा खाने का तो वो बहुत ही ज्यादा हरिडली पुश कर रहा है खुद को कि चलो खा लेते हैं। मतलब अब पहले जैसा ऐसा एंथुजियाज्म, बिना बोर्डम से ऐसे बैठे नहीं रहता वो, हाँ खाएंगे रखो यहाँ पर, ऐसा नहीं। अब उसके अंदर एनर्जी आ गई है, धीरे धीरे अभी आ रही है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। उस दिन से अब उसकी प्रोग्रेस रैपिड है, बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है उसकी हेल्थ की, अब उसकी हेल्थ अच्छी हो रही है। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. Scrimmages fighting. Scrimmages मतलब fight. Spelling याद रखना, double M है. Double M याद रखना, बाकी सब तो याद रह जाएगा. So S C R I scrimmages का double M A G E. स्क्रिमेजेस, सो मतलब नॉर्मल फाइट, जो कुत्तों की फाइट होती है, हो यहाँ क्यों आया, हो वहां जाओ, वैसे, तो वो कर रहा है। किन के साथ, उन लोगों के साथ। और ये ट्रीटमेंट में थोड़ी भी मेडिसिनल कोई भी एक्टिविटी ऑपरेशन नहीं है। अब वापस वो स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन क्या था, क्या कोई सर्जरी परफॉर्म हुई थी, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सर्जरी हुई ही नहीं है। उनको जो करना था वही कर रहे हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी करवा रहे हैं उस, ऐसा नहीं कि ऐसे मतलब सर्जरी की, अभी हो रहा है ना ह्यूमंस में एक्स्ट्रा फैट हो तो ऑपरेशन से निकाल देते हैं। अदनान सामी सिंगर सुना है, देखा है उसको, पहले ऐसा था बहुत बड़ा, फिर ऑपरेशन हम नहीं बोल सकते ऑपरेशन, वो तो बहुत पहले की बात है। मुकेश अंबानी की लड़के को तो देखा ही होगा तुम लोगों ने, तो वो बहुत ज्यादा, फिर एक्टिविटी, थोड़े ऑपरेशन, डाइट, ये वो। ऑपरेशन का मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऑपरेशन करवाते हैं। किस चीज का ऑपरेशन, एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस कर दो बाय ऑपरेशन। हम दौड़ेंगे, साइकिलिंग चलाएंगे, स्किपिंग करेंगे, एक्सरसाइज करके ये मेल्ट हो रही है नेचुरल प्रोसेस से, वहां पे काट दो डायरेक्टली। यहां ज्यादा है फिर काट दिया, लाइक दैट, वैसा बहुत, अब तो बहुत कुछ, बहुत ऑपरेशन और वो सब होता है। चलो, सो वैसा कुछ था नहीं, तो दैट मींस कि वर्ड जो है ट्रायंफ ऑफ सर्जरी, अब ये बात मिस्ट्रेस को, मतलब मिसेस पेम्फ्री को नहीं पता है, उनको तो वही पता है कि सर्जरी है। अभी तक ये है। चलो, ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। तो भाई अब ये जॉय ले रहा है, मजे ले रहा है, कैसे, बाउल्ड ओवर मतलब कि जंप कर रहा है, ओवर, ओवर रहे, ओवर जंप कर रहा है, ट्रैम्प्ड मतलब के क्रश, एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, मतलब स्क्वैश्ड मतलब क्या, ऐसे पिचक जाना, मतलब सब लोग आ रहे हैं तो किसी ने धक्का मारा तो ऐसे जैसे नहीं, हम लोकल ट्रेन में कैसे, तुम यहाँ मुंबई गए, लोकल ट्रेन में चढ़ गए तो ऑटोमेटिकली स्क्वैश हो जाओगे, वैसे, तो लाइक दैट।
ये सारी एक्टिविटी जब वो घर में था तो वो उसको नहीं मिल रही थी। ओवर पैम्पर्ड, ओवर फेड, पैम्पर्ड, सब कुछ खाना मिल रहा है, कुछ नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। वो जो कुत्तों की गैंग थी अब मैं एक्सेप्टेड, कुत्तों की मतलब डॉग्स की जो गैंग थी उसमें एक्सेप्टेड मेंबर हो गया। एन अनलाइकली सिल्की लिटल ऑब्जेक्ट अमोंग द शैगी क्रू। ओके, सो देखो लिखा हुआ ये शैगी मतलब की रफ, जो एकदम रफ टीम है, क्रू मतलब टीम है पूरी की पूरी, उसमें अनलाइकली मतलब, अनलाइकली मतलब सब लोग एक जैसे दिख रहे हैं एंड ऑल, ये अलग ही दिख रहा है, उसका कलर भी अलग है। ओके, सिल्की लिटल ऑब्जेक्ट अमोंग द शैगी क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, मतलब टाइगर के जैसे फाइट कर रहा है खाने के टाइम पे। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, तो जो हैन हाउस है पॉटरी फार्म जिसे बोलते हैं, तो वहां पे छछुंदर रैट्स होते हैं, तो वो रैट्स को हंट कर रहा है। अब ये सारी एक्टिविटी, ये एंजॉयमेंट उसको, ये जो नॉर्मल डॉग है वहां नहीं मिल रही थी। ऐसे ही सोचो कोई पेट डॉग है यहाँ पे है, तुम आते होंगे तो यहाँ पे आता होगा, क्या नाम है उसका, रॉकी, रॉकी नाम है पूरा चढ़ जाता है। एंड उसका ग्रोथ देखा हो तो उसको शायद 1 ईयर या ज्यादा से ज्यादा 1.5 ईयर हुआ है, उसकी बर्थ को लाए तब से नहीं, उसके बर्थ को इतना टाइम हुआ है। जस्ट इमेजिन 1.5 ईयर में ये इतना बड़ा हो गया है। बाकी नॉर्मल डॉग्स को बहुत टाइम लगता है, 5-6 ईयर लग जाते हैं इतना होने में। ओके, कैसे खतरनाक है। सो लेकिन अब मैं कहना ये चाह रहा था कि वो दूसरा ये शेरू ब्लैक वन यहाँ पे सोता रहो। ओके, अब वो लोग जो एंजॉयमेंट करेंगे, यहाँ से कोई भी जा रहा है तू यहाँ क्यों आया, ऐसे भागते भागते जाएगा उसके पीछे ये वो, कोई भी अननोन पर्सन, वो भी बाग करता है, ये भी बाग करता है, उसके पास वो फ्रीडम नहीं है जितनी इन लोग के पास है। सो वही चीज, ये एंजॉयमेंट जो नॉर्मल होता है ना, इसीलिए बोलते हैं कि हो सके तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, ये सारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ जाता है एनिमल क्रुएलिटी में। ओके, पेट डॉग, डॉग क्या पेट रखने ही नहीं चाहिए, कोई भी पेट नहीं रखने चाहिए, क्योंकि हम उनके नेचुरल हैबिटेट से उनको टाइगर इन द जू याद कर, तो कंपेयर किया था हमने जू का टाइगर और फॉरेस्ट का टाइगर, कितना कुछ वहां पे वो डियर का प्रे मतलब शिकार करने वाला होता है, कितना कुछ। ओके, और यहाँ पे ऐसे ही यहाँ से वहां, वहां से यहाँ घूमते रहो, स्टेयर करते रहो बाहर, स्टार्स को देखो, ये सब चीज। ओके, तो लाइक दैट डिफरेंस होता है जहां पे तुम रहते हो एनवायरमेंट का। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, ऐसा मजेदार टाइम उसकी लाइफ में पहले कभी नहीं था। ऑल व्हाइल मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंशियस anxiously in the background, background मतलब के background मतलब घर पर, ये सा ये तो मजे कर रहा है अब यहाँ पर, लेकिन वहां पर उसकी mistress, उसकी मालकिन बहुत ज्यादा चिंता में है, क्या होगा उसकी recovery, कैसी हो रही होगी, कैसा होगा। ओके, so hovered मतलब remain, होना मतलब, वो वहां पे थोड़ा anxious है, चिंता में है। Ringing a dozens time a day for the latest bulletins, मतलब के dozen, dozen मतलब कितना, 6 और 12 नहीं पता, 12 one dozen मतलब number 12। okay, so 10 से 12 बार call करती है किसको, doctor पे, क्या हुआ, कैसा है, खाना खाया, okay, like that, इतना वहां से भी over pampered, वो pampered ही over होता है, तो वहां से भी pampered, ओके, कांटेक्ट में नहीं है फिर भी। ओके, तो कितनी बार कॉल करते हैं बुलेटिंस मतलब न्यूज जानने के लिए। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज ट्यूशंस वेयर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर। आई डॉज मतलब अवॉइड करना, आई मतलब कौन, जेम्स हैरियट, अवॉइड ही करते हैं, ये जो भी डजन टाइम कॉल करेंगे ना, अवॉइड ही करते हैं कि उसने क्वेश्चन बराबर है, उसका क्वेश्चन, उसका कोट बराबर है या नहीं है वेदर के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसके पास तो समर के लिए अलग है, विंटर के लिए, गर्मी के लिए अलग है, ठंड के लिए अलग कोट है,
तो ये सारी केयर कर रहे हो, उसको करवाया या नहीं करवाया, तो ये डॉज कर रही है, लिखा हुआ है अवॉइडिंग। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हमारे ऑथर डॉक्टर है वो क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कि यार मुझे कुछ आंसर नहीं देना, तो वो बात को घुमा देते हैं। ओके, अवॉइड ही नहीं करना है तो घुमा दिया बात को। ओके, करेक्ट, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट, लेकिन उतना तो बता ही देते हैं, द लिटल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेलेसिंग रैपिडली। तो कॉन्वेलेसिंग मतलब कि रिकवरी फ्रॉम दी इलनेस और से डिजीज, तो कोई भी डिजीज इलनेस से रिकवर करे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये लिखा, तो मतलब वो सोचेगा ओह इतना हैवी वर्ड लिख दिया, क्योंकि आगे आया नहीं है। ओके, सो ये वर्ड याद रखना, कॉन्वेलेसिंग। ओके, सिंपल ही है लेकिन याद रखना, मीनिंग क्या है उसका, रिकवर होना, दैट्स इट। बीमार हो उसका रिकवर, तुम्हें बुखार आया दवाई ली और रिकवर हो गए, दैट्स इज कॉन्वेलेसिंग। ओके, सो तो उन्होंने बताया कि आउट ऑफ डेंजर है और रिकवरी हो रही है। द वर्ड कॉन्वेलेसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री, मतलब अब ऐसा बोला ना तो जान में जाना ही ऐसे, मतलब रिकवर तो हो रहा है। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, तो अब बच गए हैं, सर्जरी हो गई है, रिकवरी हो रही है, तो अब वापस ओवरफेड पैम्पर, इसको ये खिलाओ वो खिलाओ। ओके, तो चालू हो गया, क्या आने लगा, एकदम मस्त गोल गोल एग्स आने लगे, फ्रेश एग्स, एग्स आने लगे उसके लिए, टू डजन्स एट अ टाइम, एक टाइम के लिए कितने, टू डजन्स, 24, ओके, अराउंड 20-25 एग्स आने लगे उसके लिए, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़े इसलिए भेजने लगे, पैसे तो बहुत है, ओके, तो करो स्ट्रेंथ बिल्डअप करो, फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड टू एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये जो टाइम पीरियड था, ओके, जब ट्रिकी हॉस्पिटलाइज था, वो टाइम पीरियड इतना अच्छा था ऑथर के लिए, इसीलिए लिखा हुआ है फॉर अ हैप्पी पीरियड, क्यों, क्योंकि ये जो 24 एग्स आते थे ना, वो ट्रिकी के पास तो जाते ही नहीं थे वो और उनके दोस्त ही खाते थे, इसीलिए लिखा हुआ है कि आई हैड टू एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब हर कोई दो दो एग्स खाता है, ऑथर और उनके कलीग्स दो दो एग खाते हैं ब्रेकफास्ट में। ओके, तो उनके लिए तो हैप्पी टाइम था, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन भी आने लगी, बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशंस बिगेन टू डॉन ऑन द हाउसहोल्ड। अब मतलब एग्स तो आ ही रहे थे लेकिन वाइन भी आने लगी, कहते हैं हमारे लिए नहीं, वहां के लिए कहते हैं, कहां के लिए, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, क्योंकि वहां पे कोल्ड ज्यादा है, कि वाइन पीने से जो ब्लड होता है वो प्योरीफाई होता है, ओके, और थोड़ा वार्म भी होता है, जैसे हमारा ब्लड ऑलरेडी वार्म है उनकी कंपेयर में, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, उनका उतना वार्म नहीं है, जितना वार्म होता है ना उतनी एक्टिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए देखो एक्सरसाइज करो तो स्टार्टिंग में जो हम करते हैं ना ऐसे 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 किया, तो उसको क्या बोलते हैं, वार्म अप। क्रिकेट करने खेलने जाओ तो पहले बोलो 5 राउंड लगा लो ग्राउंड के, वो क्या हुआ, वार्म अप हुआ, ब्लड थोड़ा ऐसे फ्लो करने लगा पूरी बॉडी में, और अब जाके क्रिकेट खेलो। जिम करने जाओ तो बोले पहले पुशअप्स मारो, फिर उठक बैठक मारो, ये करो वो करो, स्किपिंग करो, कार्डियो करो, क्यों, वार्म अप, उसके बाद तुम मशीन पे जाओ तो फिर थोड़ा मशीन बेस्ड एक्सरसाइज करो, कुछ भी हो वार्म अप इज नेसेसरी। ओके, एनी एक्टिविटी, पढ़ाई करने बैठे तो भी वार्म अप जरूरी है, तुम 5 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो तो मानो कि 6 घंटे लेके बैठो, पहला तो वार्म अप ही है, ऐसे पढ़ रहे हो, अच्छा ये करे ये करवाया था ये, अरे बातचीत में सोचने में ही कितना टाइम जा रहा है, पढ़ाई तो शुरू ही नहीं हुआ अभी, 15-20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है पढ़ाई, अच्छा आज ये करेंगे, इतना करेंगे, फिर खाना खाएंगे, वो प्लानिंग भी बहुत कुछ होता है। ओके, तो ये अच्छा बीच में ये हुआ और फिर पढ़ाई शुरू की, पढ़े इसमें क्या था, वापस सोचने में एग्जैक्ट जो बिल्डअप होता है ना वो आफ्टर 15-20 मिनट्स मिनिमम, और वो 20 मिनट्स के बाद जो पढ़ाई होती है दैट इज बेस्ट, बहुत ही बढ़िया पढ़ाई, लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ 20 मिनट से पढ़ते हैं तो सोचो क्या याद रहेगा
क्योंकि अभी तो स्टार्ट हो रहा है, ब्रेन ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई पढ़ना है, सब कुछ सही है, और फिर हमारा कॉल आया, यहाँ खाना पीना ये वो घर, तो 20 मिनट पढ़ाई की ना, सुबह थोड़ी पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई 20 मिनट्स बोल दिया, आधा घंटा पढ़ाई की, अरे वो पढ़ाई है ही नहीं, दैट इज नॉट स्टडी, दैट इज नॉट रीडिंग, स्टडी नहीं है वो, तो इट नीड्स टाइम, ओके टाइम चाहिए, एसी चालू करेंगे ऐसे किया 20 पे तो डायरेक्ट 20 शुरू हो जाए, कितनी देर तो पता ही नहीं चलेगा कि एसी चालू किया है, टाइम लगेगा ना। सो यहाँ पर भी वही चीज है कि वार्म अप के लिए वाइन भी उसको भेजे जाने लगी। ओके इट वॉज टू एंड ये लिखा हुआ है देखो, इट वॉज ये क्यों भेजी जाने लगी, टू एनरिच मतलब इंप्रूव करने के लिए, किस क्या इंप्रूव करने के लिए, ट्रिकीज ब्लड को इंप्रूव करने के लिए, लंच बिकेम सेरेमोनियल ओकेशंस विथ टू ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब लंच देखो एक ओकेशन जैसा हो गया है लंच, ओके क्यों, लंच से पहले ही दो ग्लास वाइन, ओके पहले ही, अभी तो लंच शुरू ही नहीं हुआ तो दो ग्लास वाइन पी रहे, एंड सेवरल लंच चल रहा है बीच बीच में वाइन पी रहे हैं, जैसे हम सपोज चाइनीज और पंजाबी खा रहे हैं और साथ साथ में माजा और कोक खा रहे हैं और पी रहे हैं, वैसा अगर कर रहे, मैं पहले करता था, इट इज अ बैड हैबिट ओके की है, बता रहा हूँ कि तुम कर रहे हो तो बंद हो कर दो, नहीं कर रहे हो तो वेरी गुड, ओके कि मतलब आदत ही हो गई है, हो गई थी, खा रहे हैं साथ साथ में थम्सअप है कोक है, ओके क्यों, क्योंकि बिलीफ सिस्टम थी, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, कार्बोनेटेड वाटर वाला जो ड्रिंक होता है उससे डाइजेशन अच्छा होता है, और बहुत ज्यादा पेट फुल हो गया हो तो थोड़ा डाइजेशन होता है, रॉन्ग बिलीफ है, अभी भी कितने लोगों को होगी, मुझे भी थी, अब हो गया है करेक्ट, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अच्छा करना ही है तो बटर मिल्क पी लो, उससे होगा, बटर मिल्क से होगा, ओके ये कार्बोनेटेड शुगर वाला CO2 भर के दे दिया है, कुछ नहीं होगा उससे, चलो सो वो चल रहा है और एकदम सेरेमोनियल, कोई सेरेमनी हो और बहुत बड़ा ओकेशन हो वैसे लंच हो रहा है उनका, ओके तो ये हमारा पेज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, लास्ट पार्ट बाकी है, चलो सो आगे क्या है, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम, वाइन तो आ ही रही थी, अब ये सारे अल्कोहल की टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स, ओके सो वी कुड हार्डली बिलीव, अब उनको बिलीव भी नहीं हो रहा है कि भाई यहाँ तो मतलब मजे ही मजे, क्या क्या आ रहा है, ये हॉस्पिटल में ये आ रहा है तो घर पे तो कितने मजे होंगे, ये ट्रिकी है ऐसे, ओके सो वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, ओके मतलब कि थोड़े दिनों तक तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से चलता रहा, मतलब पिया भी अच्छे से अल्कोहल ब्रांडी वाइन सब कुछ, मतलब जो भी उसके लिए आ रहा था ट्रिकी के लिए वो उसके पास ना जाके ऑथर और उनके कलीग्स एंजॉय कर रहे थे, और अगर वन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कुछ गलत शायद नहीं कर रहे, क्योंकि उनको देते अगर ट्रिकी को चला जाता हो तो अगेन उसकी रिकवरी उनकी कॉन्वलेसिंग नहीं हो पाती, ओके क्यों, उसको खाना कट करना था, फैट कम करना था, एक्सरसाइज ज्यादा करनी थी, तो अब कहां वापस उसको देते, वन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही कर रहे, ओके और वो ना बोलते मिसेस पम्फ्री को भेजना मत, उनकी जरूरत नहीं है, नहीं 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 वो मानती वो मानने जैसी कंडीशन में होती तो इतना ओवरफेडिंग करती ही नहीं, तो दैट मींस कि उन्होंने बोला हाँ तुम अपना काम करो हम अपना काम करते हैं, लाइक दैट, ओके दे रेवरेंटली मतलब विथ डीप रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट भी है, किन की रिस्पेक्ट है, मिसेस पम्फ्री की, मिस्ट्रेस की रिस्पेक्ट है कि ये इतना केयर कर रही है, बट एट द सेम टाइम भले ही कितनी भी रिस्पेक्ट हो लेकिन मतलब दवाई बोलते हैं ना डॉक्टर, दवाई कितनी भी कड़वी हो लेकिन अगर ठीक होना है तो लेनी पड़ेगी, लाइक दैट, तो वैसे ही सिचुएशंस है, दे वेर डेज ऑफ डीप कंटेंट,
starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. तो मतलब फुल पार्टी चल रही है, एडिशनल एग मिलने लगा है, ओके, ब्रेकफास्ट में, लंच में भी, मतलब बिफोर लंच, बिफोर द मील एंड ड्यूरिंग द मील सेवरल वाइन्स मिल रही है, एंड लास्टली जब डिनर होता है तो उसमें भी ब्रांडी आ गई है, मतलब फायर, बोन फायर चल रहा है. बोन फायर जनरली हर घर में होता है, वहां हर घर में होता है, ठंडी इतनी है, ओके. तो वेस्टर्न पार्ट, अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे होता ही है, ओके. सो हमारे जैसे ऐसे नहीं कि कहीं पे घूमने गए हो, बहुत ज़्यादा ठंडे और किया, ऐसा नहीं, ओके. होता ही है हर घर में, तो उनके लिए तो पार्टी ही थी, ओके, वही चीज़ बता रहे हैं. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट The little dog had recovered and was awaiting collection. बहुत लंबा सेंटेंस है. क्या है, क्या कहना चाह रहे ये सेंटेंस में, कि भाई ये टेम्पटेशन तो आ रहा था. क्या टेम्पटेशन आ रहा था? इसको थोड़े दिन और रखो तो मजे भी चलते रहेंगे, ओके. बट उनको ये भी पता था कि वहां पे वो बहुत ज्यादा सैड फील कर रही है. वो तो बिलीव ही नहीं कर सकती थी कि 15 डेज तक ट्रिकी उनके साथ नहीं, ओके, गिरने वाली थी, याद है ना, चक्कर खा के. कॉन्शियसनेस, कौन सा वर्ड था उसके लिए? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. देखो बुक में, बताओ, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. डिस्पेरिंग नहीं, स्वॉन. यस, ओके, स्वॉन लिख लो तुम, नहीं तो फिर कब लिखोगे? वीडियो में से देख के लिखोगे, बहुत टाइम जाएगा, साथ साथ में ही लिखते जाओ, ओके. हाँ, तो कहाँ गए हम? हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था. तो क्या हुआ कि वो फील ही नहीं कर पा रहे थे कि वो उनसे दूर जा रहा है, फिर भी ये हुआ तो एटलीस्ट अब उनको सैड फील हो रहा है. मतलब टेम्पटेशन तो है कि और रहे तो मजे चलते रहेंगे, एट द सेम टाइम वो फील कर रहे हैं कि नहीं, इट इज नॉट गुड. तो उन्होंने आफ्टर द फॉर्टनाइट फोन कर दिया, कंपेल्ड टू फोन, कंपल्सरी करना ही पड़ेगा, लाइक दैट, ओके, फोर्स्ड टू, हैव टू, और से मस्ट, ओके, फोन कर दिया है कि भाई आपका जो ट्रिकी है वो अच्छी तरह से रिकवर हो गया है, एंड आप, इट इज वेटिंग फॉर कलेक्शन, कि वो राह देख रहा है कि उसे ले जाएंगे, लाइक दैट. विद इन मिनट्स, फोन आने के मिनटों में आ गए उनको लेने. अबाउट 30 फीट ऑफ ग्रीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी. ये ब्लैक मेटल क्या है? कार, 30 फीट की लॉन्ग बॉश कार है, ओके. तो ऐसा बोल रहे हैं, विद इन मिनट्स, अबाउट 30 फीट लंबी, ग्लीमिंग मतलब शाइनिंग, ग्लीम, ओके, तो एकदम शाइनिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप, मतलब कम आउटसाइड दी सर्जरी, मतलब हॉस्पिटल के बाहर आई. दी शॉफर, शॉफर मतलब ड्राइवर, लेकिन कौन सा ड्राइवर? थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल अटायर वाला जो ड्राइवर है, जिनके पर्टिकुलरली यूनिफॉर्म भी होते हैं, और वहां के यूनिफॉर्म तो ब्लेजर एंड कोट होता है, ओके. तुम देख के बोलोगे ये ड्राइवर है क्या, मुझे लगा गाड़ी का मालिक है, ऐसे, ओके. तो वैसे इतना थोड़ा एटर, वेल मैनर्ड, ओके. तो उसे क्या बोलते हैं? शॉफर. तो ड्राइवर मत लिखना, शॉफर ही लिखना, तभी इंप्रेशन बनेगी, ओके, क्वेश्चन आंसर में भी. ओपन्ड द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. हर हैंड्स वेर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, ओके. मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे ही शॉफर ने दरवाजा खोला, आई कुड जस्ट मेक द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. मतलब कि अंदर शॉफर ने दरवाजा खोला, ड्राइवर ने खोला, तो वो तो गाड़ी में नहीं थे, डॉक्टर, तो डॉक्टर देख रहे हैं गाड़ी में, और वो देख सकते हैं कि मिसेस पम्फ्री थोड़ी ऐसे हाथों से ऐसे, कि क्या हुआ होगा, मतलब रिजल्ट आने वाला हो, तो वो कैसे करते हैं,
क्या हुआ होगा क्या हुआ होगा, ऐसे नहीं करते। तो वो ऐसे ऐसे कर रही है कि क्या हुआ होगा, इसका वर्ड है क्लैस्प। ओके, तो क्लैस्प मतलब क्रैस्प टाइटली, मतलब ऐसे हाथ ऐसे टाइटली बांधे हुए है, ऐसे ऐसे कि क्या हुआ होगा, सर्जरी एकदम अच्छे से हुई होगी। वो स्टेट में है मिसेस पॉम्फ्रे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, ओ ट्रेम्बल्ड मतलब बोल नहीं सकते, ऐसे थोड़ा स्टैमर कर रहा है। ओके, क्या बोल रहे हो, भूल गए, ऐसा नहीं होता कभी कभी, बहुत ज्यादा चिंता में हो, डर में हो, ओके तो ऐसा होता है, कॉन्शियस नहीं होते। ओके, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर। अरे मिस्टर हैरियट, अच्छा हुआ आप आ गए, बताइए बताइए, मुझे सच बताइए कि वो अब एकदम सही है, अच्छा है। ट्रिकी, यस ही इज फाइन, अच्छा है वो। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो क्या बोला कि आपकी मतलब जरूरत नहीं है कि आप बाहर उतरे, आप गाड़ी में ही बैठे रहे, मैं जाता हूं और उसको ढूंढ के लेके आता हूं। ओके, आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, अ मास ऑफ डॉग्स वर हर्टलिंग राउंड, अगेन हर्टलिंग स्पीडिली, वो लोग राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं। ओके, नहीं लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है ना, मूविंग स्पीड। ओके, सो हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. Okay, मतलब ऐसे सारे ग्रुप में घूम रहे हैं बहुत स्पीडली, लेकिन उसमें थोड़ा ब्राउन जो पूंछ हिला रहा है, ears हिला रहा है, वो कौन है, Tricky है, गोल्डन कलर। ओके, इन टू वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ, लिथ मतलब बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल, बहुत बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, दो वीक में वो हो गया है। ये हम भी एज ए ह्यूमन भी ऑब्जर्व, जैसे तुमने बहुत ही खतरनाक खाना खा लिया एकदम फुल यहाँ तक का, ओके अब बोले कि थोड़ा 15 मिनट वॉक करके आओ, क्या बात कर रही है, बैठने दो मुझे, अभी कुछ वॉक वॉक नहीं होगा, हम सो जा रहे हैं लाइक दैट। तो सोचो कि इतना ज्यादा एवरीडे ओवर फेड कर रहा है, तो उसके अंदर बोला था ना कि एनर्जी नहीं है, पड़ा रहता है बोर्ड टाइप, लेकिन अब ऐसा नहीं। और ये भी तुम फील करोगे, कभी तुम फास्ट करके देखना, फास्ट के दिन तुम्हारे अंदर अलग ही एनर्जी होगी, वो वीकनेस तो कभी होगी ही नहीं। हम बोलते हैं ना कि खाना नहीं खाएंगे तो वीकनेस, ऐसे होता ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी है हमारी बॉडी में, पहले का जो खाया होगा वो एनर्जी बनती, अभी खाएंगे उसकी एनर्जी तो बनेगी फिर आएगी, तो अभी आज खाओगे उसकी एनर्जी तो कल आएगी, तो आज तुम खाना नहीं खाओ तो कल तो खाया था ना, वो एनर्जी से चलता रहता है। ओके, सो जब तुम एक्सरसाइज करो, अच्छे से एक्सरसाइज करो, रन करो, खाना वेल बैलेंस्ड डाइट खाओ, तो एक अलग ही एनर्जी होती है बॉडी में, अलग एनर्जी होती है। सो उसके अंदर भी अलग ही एनर्जी थी। हार्ड मसल्ड एनिमल, अब ऐसे फैट नहीं है, हार्ड मसल्ड, ऐसे हार्ड मसल मतलब उसके बोन्स दिख रहे हैं। ओके, ऐसे हार्ड है बोन के ऊपर, ऐसे ऐसा नहीं है कि फैट जमी हुई, हड्डियां दिख रही है। ओके, लाइक दैट, उतनी फैट लॉस हो गया, हार्ड मसल। ओके, ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रुशिंग द ग्राउंड, मतलब दौड़ता दौड़ता आ रहा है, हार्ड मसल है, और जब आ रहा है तो उसकी जो चेस्ट है वो ऑलमोस्ट ग्राउंड पे थोड़ी ब्रश होती है, मतलब थोड़ी टच हो रही है, थोड़ी, ऐसे नहीं कि घिस गया पूरा, ऐसे नहीं तो आएगा कैसे फिर, बट ऐसे अच्छी बॉडी हो गई है उसकी 15 डेज में, हार्ड मसल्ड अच्छे से, फैट लॉस हो गया है, और उसकी जो चेस्ट है वो ग्राउंड पे ब्रश हो रही है, वैसे वो आ रहा है। ओके, लाइक दैट वो बता रहे हैं। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, तो लेके आए उसको, the chauffeur was still holding the car door open, abhi bhi chauffeur ne car door open hi rakha tha, and when Tricky saw his mistress, okay, to jab Tricky ne mistress ko dekha, he took off from my arms in tremendous leap and सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप, मतलब मेरे हाथों में से निकल के एकदम पावरफुल वे में
डायरेक्टली जंप करके उनकी गोद में जाके बैठ गया। लैप, लैप मतलब ये जो हमारी क्या बोलते हैं उसे, जंगा बोलते हैं, जंगा ही बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो थाई, यस ओके, थाई लैप दैट इज, वहां पे जाके बैठ, गोद में बैठ गया, ऐसा नहीं बोलते हम गोद में बैठ गया, तो गोद में बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओ एंड देन हैड डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बाकी। मतलब के अब पहले तो देखिए उसने स्टार्टल्ड ओ मतलब के ऐसे एक्सक्लेमेटरी है, क्या से क्या हो गया ऐसे। ओके एंड फिर वो और वो आया स्वार्म्ड ओवर हर मतलब डायरेक्टली उसको उसको पूरा पूरा कवर कर लिया एंड लिकिंग हर फेस। डॉग जनरली बहुत ज्यादा अफेक्शन शो कर रहे हो ना तो वो लिक करते हैं, टेल्स को बहुत फास्टली हिलाते हैं, वैसा करते हैं। एंड बार्किंग थोड़ा बहुत बार्क, वो बार्क नहीं ओके बार्किंग मतलब जो लवफुल बार्क होता है वैसा बार्किंग करने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बैग्स टॉयज क्यूशंस कोट्स बाउल्स नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। तो बोले कि जब ये सब कर रहे मतलब वो लोग मिल रहे थे, मिस्ट्रेस और ट्रिकी जब मिल रहे थे ओके तो वो टाइम पे मैंने शॉफर को बोल दिया कि भाई इसके जो टॉयज बेड कुशंस बाउल्स सारे लंच का ब्रेकफास्ट का डिनर का सारे बाउल्स अलग अलग थे, कोट अलग अलग थे सीजन्स के अकॉर्डिंग, वो सब लेके आओ, ऐसे भी कुछ यूज नहीं हुआ। वो लिखा हुआ है कि नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, किसी का भी यूज हुआ ही नहीं। ओके एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। तो जैसे ही कार आगे बढ़ी तो मिसेस पम्फ्री पूरी लीन्ड आउट मतलब कि ऐसे देखने के लिए पूरी मतलब मुड़ गई। ओके लीन्ड आउट मतलब क्या होता है, मुड़ गई नहीं होता, डायरेक्टली जस्ट लाइक हम ऐसे खड़े हैं ओके और पूरे के पूरे लीन हो गए मतलब सो गए, बहुत लंबे हो गए, ऐसा नहीं बोलते कि यहाँ सपोज मैं ड्राइव कर रहा हूँ मुझे वो साइड देखना है, मतलब मैं मिरर में नहीं, मैं तो मिरर में देख सकता हूँ और सपोज कोई पीछे बैठा हुआ वो मिरर में थोड़ी देख सकता है, तो पूरा ऐसे बाहर निकल के ऐसे देख, तो उसको समझाने के लिए वर्ड यूज किया गया है लीन। अदरवाइज लीन का मीनिंग होता है लेट जाना ओके लेकिन यहाँ पे लेटना नहीं, कार में क्या लेटेंगे। तो लेटना नहीं है लेकिन थोड़े स्ट्रेच होना, स्ट्रेच होके बाहर देख रहे हैं ओके सो क्या देख रहे हैं स्ट्रेच होके बाहर, टीयर्स शोन इन हर आईज ओके हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। अब टीयर्स अभी भी देख, पहले भी टीयर्स अब ले जा रहे हैं तब भी टीयर्स, tears shown in her eyes, her lips trembled. Oh, Mr. Harriot, she cried. Cried मतलब groaning, चिल्लाई. Okay. Cry मतलब क्या? ये word पूरे English वो book में भी ये book में भी बार बार आएगा. तो उसका meaning 99% of the times क्या होगा? चिल्लाना. मतलब जोर से बोलना. Not रोना. लेकिन जहाँ रोना होगा वहाँ रोना ही होगा meaning. वो हमें कंटेक्स्ट से समझना है कि यहाँ क्राई करेगी या यहाँ चिल्लाएगी। तो ये गाड़ी ऑलरेडी दूर चली गई थी तो वो चिल्ला के बोल रही है। क्राइड हाउ कैन आई एवर थैंक यू, बोले मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं ओके कैसे करूंगी या कर सकती हूँ, दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो ये जो है मतलब आपने बहुत ही अच्छा किया है, एकदम बीमार था मुझे पता है, मतलब आई वॉज फियरफुल कि अब ट्रिकी का क्या होगा, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। और ये तो सर्जरी है, जो मेडिसिनल में जो ऑपरेशन होता है सर्जरी होती है उसकी विक्ट्री है, उसकी सक्सेस है। यही था चैप्टर ओके अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। अंडरस्टूड, अच्छे से स्टोरी लाइन समझ में आ गई। अब ये स्टोरी लाइन पूरे ईयर याद रहनी चाहिए, उसके लिए रेगुलरली रीड करना पड़ेगा ओके साइंस मैथ्स जितना थोड़ा लॉन्ग टर्म रखोगे तो भी ये याद रहेगी, क्यों स्टोरी लाइन है इसलिए याद रहेगी, लेकिन फिर भी रिवाइज कर देना पड़ेगा, रिवाइज तो करना पड़ेगा ओके मतलब तुमने 3-4 महीने में उसको छुआ ही नहीं तो फिर चला जाएगा दिमाग में से, तो एटलीस्ट वो भी टाइम टेबल बनाओ अच्छे से कि कितने दिनों के बाद पर्टिकुलर आवर्स होने चाहिए रिविजन के, रिविजन के पर्टिकुलर आवर्स होने चाहिए। 15 डेज हो गए हैं तो 15 डेज में
रोज के सपोज तुम अभी 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो 15 डेज के बाद 3 डेज सपोज रिविजन के, तो वो 3 आवर्स तो रेगुलर पढ़ने ही है, और अगेन 2 आवर्स एक्स्ट्रा रिविजन के 3 डेज रखने हैं एवरी 15 डेज. स्कूल में क्या हुआ, पूरा का पूरा 15 डेज का रिविजन. ट्यूशन में क्या हुआ, पूरे का पूरा 15 डेज का रिविजन. रिविजन का अलग से टाइम रखो, क्योंकि तुम पूरा सिलेबस पढ़ लोगे और रिवाइज नहीं किया, इट इज नॉट ऑफ दैट मच यूज. जितना एक बहुत ही बढ़िया सीक्रेट है जो स्टूडेंट को भी पता होता है, सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता, और जिनको पता होता है वो सारे ही इसका यूज नहीं करते या कर पाते, एंड दैट इज द पावर ऑफ रिविजन. तुम जितनी ज्यादा बार रिविजन करोगे ना, उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे. सिंपल सेंटेंस में मैंने बता दिया, जितनी ज्यादा बार रिवाइज करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे. सिंपल रूल, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, मतलब 5 बार 10 बार, तो पूरे सिलेबस पूरे ईयर में 5-10 times तुमने कोई चीज पढ़ ली समझ ली, लेकिन रिवाइज इतनी बार रिवाइज किया तो तुम्हें वैसे ही याद रह जाएगा. ये बहुत ही बढ़िया सीक्रेट है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट यूज करते हैं. रिवाइज कब करते हैं, जब प्री बोर्ड्स आ जाए तब रिवाइज करते हैं. मतलब जैसे मैंने बताया ये फर्स्ट चैप्टर है, तो ये फर्स्ट चैप्टर अभी तुम पढ़ोगे, टेस्ट लेंगे हम ये सैटरडे, तो तुम अब ये वीक में पढ़ोगे, फ्राइडे को तो अच्छे से पढ़ोगे, सैटरडे को भी पढ़ के आके टेस्ट दोगे, फिर स्कूल में नेक्स्ट मंथ होगा तब तुम पढ़ लोगे. ओके, फिर तो हम दूसरे टेस्ट लेंगे, स्कूल में कुछ और चल रहा है, तो दैट डज नॉट मीन कि यहाँ पे ध्यान नहीं देना, रिविजन करते रहना पड़ेगा, तो अच्छे से रिवाइज करना. ओके, सारे सब्जेक्ट्स में, तो ही लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, नहीं तो फिर तुम 2-3 महीने बाद कुछ पुराना चैप्टर फिर से निकालोगे तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो नए जैसा ही लगेगा, क्या था इसमें, ये कैसे करते थे, ये वो. माइंड को रिकॉल करना पड़ेगा सर. एवरी डे रिवाइज कर रहे हो तो गुड, अंडरस्टूड. ओके, समझ में आ गया. चलो तो सेकेंड सेक्टर भी स्टार्ट करते हैं.